गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपको जो डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा, डिफरेंशिएशन का पार्ट है सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। जो इनफाइनाइट सीरीज के टर्म्स में होते हैं, इनको हम किस टाइप से डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जाएंगे। तो पहले सबसे पहले जो प्रॉब्लम नोट की गई है, सबसे पहली प्रॉब्लम है कि रूट ऑफ वाई इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो जैसे यहाँ पे हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो जो सीरीज है वो इनफाइनाइट तक गई है। अब इसमें चेक करके देखते हैं, जैसे ये इक्वेशन नंबर वन हमने लेट कर लिया, वन लेने के बाद इसको इस टाइप से देखिए जरा, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ एक पार्ट से मतलब एक से अंडर रूट हट जाएगा, रिमेनिंग पे बचेगा, तो ये आएगा साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, इस वाले पोर्शन को देखते हैं, ये भी इक्वेशन नंबर वन ही इंडिकेट कर रही है और ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है। तो यहाँ इस पोर्शन की जगह क्या लिख लेंगे, वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई। अब क्या कहेंगे, इस वाई को लेफ्ट साइड ले आइए तो वाई स्क्वायर माइनस वाई बराबर ये आपका आ जाएगा साइन एक्स, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी टू। जब इक्वेशन नंबर टू हो जाएगी, अब इसको क्या कहेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे क्योंकि इसके आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता है, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई का डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कामन ले लीजिए, तो जब डी वाई बाई डी एक्स कामन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा टू वाई माइनस वन, यहाँ पे बचेगा टू वाई माइनस वन बराबर ये आपका बचेगा कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन। इस वाले पोर्शन को मल्टीप्लाई में है, उधर ले जाएंगे डिवाइड में। तो देखिए यहाँ रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, इनफाइनाइट टर्म का हमने डिफरेंशिएशन किया। सबसे पहले इस पोर्शन को, पूरे इक्वेशन को हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो एक पार्ट से अंडर रूट हट जाएगा, रिमेनिंग पे बचेगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, वाई के इक्वल टू लिखा है हमने इक्वेशन नंबर वन से, वाई के इक्वल लिख दिया। उसके बाद इस वाई के पोर्शन को लेफ्ट में ले गए, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स कामन ले लिया तो आ गया टू वाई माइनस वन बराबर कॉस एक्स, और इसको इधर डिवाइड में कर दिया। अब इससे रिलेटेड कितनी सिमिलर प्रॉब्लम हो सकती हैं वो मैं एक साथ लिख दे रहा हूँ और सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम है, जैसे साइन का पोर्शन है उसी तरह से कॉस का, जैसे पहली वाई इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट। दूसरी प्रॉब्लम हो जाएगी वाई बराबर अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट टेन एक्स प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगली प्रॉब्लम कॉट की होगी, सेक की होगी और कॉसेक की होगी, तीनों मतलब जितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सभी की एक एक प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है या सॉल्व होगी। तो इस टाइप से रिमेनिंग फाइव क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था वो किस में था, प्लस में था और अंडर रूट में था। अब इसकी बात करते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर में होगा, ठीक है, तो उसको हम किस टाइप से सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नोट करते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं, इसका क्वेश्चन है वाई
इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, और ये कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। जब ये क्वेश्चन नंबर वन है, इस क्वेश्चन में अगर हम यहाँ से बात करते हैं, ये देखिए ये पोर्शन ले लीजिए इनफाइनाइट तक का, तो ये भी तो लिखा है साइन एक्स पावर साइन एक्स पावर साइन एक्स कहाँ तक? इनफाइनाइट तक दिया गया। अब वो किसके बराबर है? वाई के बराबर है, तो इम्प्लाई दैट ये क्या हो जाएगा, वाई बराबर साइन एक्स की पावर वाई, ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। अब देखिए पावर साइन एक्स की पावर आई है, तो इसमें क्या लेंगे? लॉग, तो टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग बोथ साइड्स, तो ये आपका आ जाएगा लॉग ऑफ वाई बराबर लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर वाई, लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम, तो वाई इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और ये सेकेंड पार्ट। प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट करिए, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग वाई बराबर, यहाँ पे आएगा वाई को लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस वाई को ऐसे रखो डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो देखिए लॉग का डिफ्रेंशिएशन वन बाई, जैसे लॉग वाई वन बाई वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, तो वन अपॉन वाई और डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये डी वाई बाई डी एक्स ही है, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स ऐसे ही रहेगा प्लस वाई बाहर। अब इस लॉग का करेंगे, जब लॉग एक्स का वन बाई एक्स, तो ये हो जाएगा वन बाई साइन एक्स प्लस वाई इंटू वन अपॉन साइन एक्स, और इस साइन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है? कॉस एक्स, तो ये इंटू न्यूमरेटर में आ जाएगा कॉस एक्स, तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉट। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स के टर्म लेफ्ट साइड ले आइए, तो और लेफ्ट साइड लेने के साथ कॉमन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन वाई माइनस लॉग साइन एक्स, इसका यहाँ एलसीएम लेंगे बराबर वाई, और कॉस अपॉन साइन ये आ जाएगा कॉट एक्स, इसका एलसीएम लीजिए तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आएगा वन माइनस वाई लॉग साइन एक्स अपॉन वाई बराबर वाई कॉट एक्स, इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड का डिवाइड यहाँ न्यूमरेटर बनेगा, तो इसकी वैल्यू होगी डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन वन माइनस वाई लॉग साइन एक्स, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, और डिफ्रेंशिएशन इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ, ठीक है। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्योंकि इसकी भी छह प्रॉब्लम होंगी इसके अलावा, साइन की, जैसे साइन की पावर में है साइन कॉस में आएगा, फिर टैन की पावर टैन एक्स, कॉट की पावर सारी कॉट एक्स, सेक की पावर सेक एक्स, कॉसेक की पावर कॉसेक एक्स, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन, जैसे y बराबर साइन एक्स पावर साइन एक्स इनफाइनाइट तक, तो एक को छोड़ करके हमने रिमेनिंग देखा, ये क्या है, ये y के बराबर ये पावर हो गई साइन एक्स पावर y हो जाएगी, जब पावर में होता है तो लॉग लेते हैं, जब लॉग अप्लाई किया तो लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m, यहाँ प्रोडक्ट फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट रूल से हमने डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लॉग वाई का वन बाई वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी वाई बाई डी एक्स, तो हाई ये पोर्शन ऐसे ही रहेगा, फिर अगले में उस पोर्शन को डिफ्रेंशिएट कर लिया लॉग साइन एक्स का वन बाई साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, अब क्या कहेंगे डी वाई बाई डी एक्स के टाइम लेफ्ट साइड ले आए और कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के साथ में अगले स्टेप में एलसीएम ले लिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो आगे की उधर किधर जाएगा डिवाइड में, तो वाई न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये पोर्शन सॉल्व होके आएगा, तो ये रही क्वेश्चन किसकी, ये प्रॉब्लम किसकी गई साइन एक्स, इसी टाइप से टैन कॉट की मैं लिख देता हूँ क्या प्रॉब्लम होगी, और उसको आप लोग अपनी मर्जी से हल कर सकते हैं।
वो प्रॉब्लम क्या है कि y इक्वल टू ऐसे होती cos x की पावर cos x की पावर cos x डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक, tan x का लिख लो tan x की पावर tan x की पावर tan x डॉट डॉट कहाँ तक इनफाइनाइट तक। इसी तरह से cot की भी लिख सकते हैं और sec की भी लिख सकते हैं cos sec की भी लिख सकते हैं। तो ये हर पे लगभग कितनी प्रॉब्लम आ जाएंगी, पांच पांच प्रॉब्लम आ जाएंगी। अब उसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इनफाइनाइट सीरीज की। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे y इक्वल टू e की पावर x प्लस, क्वेश्चन है y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x डॉट डॉट इनफाइनाइट। देखिए y इक्वल टू e की पावर x, यहाँ देखिए फिर से वही पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, फिर से वही पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर वन लेते हैं, तो इसको किसके बराबर रख सकते हैं, इसको y के बराबर रख सकते हैं। तो y बराबर e की पावर x प्लस वाई, ये क्वेश्चन नंबर, अब इसमें लिख लीजिए टेकिंग लॉग, टेकिंग लॉग, लॉग लीजिए तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ y बराबर लॉग ऑफ e की पावर x प्लस वाई, ये पहले आ जाएगा तो x प्लस वाई और log e, बेस e पे क्या होता है 1, तो ये आपका आ जाएगा log y बराबर x प्लस वाई। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ log y बराबर d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब log y का डिफ्रेंशिएशन करिए, तो log y का 1 अपॉन y, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया और डी वाई बाई, अब dy by dx के टर्म लेफ्ट साइड ट्रांसफर ले आइए तो ये आ जाएगा dy by dx ले आएंगे तो 1 अपॉन y माइनस 1 बराबर 1, इसका यहाँ एलसीएम लीजिए तो ये आएगा dy by dx 1 माइनस y अपॉन y बराबर 1, इसको उधर भेज दीजिए मल्टीप्लाई में है तो dy by dx उधर जाएगा तो पलट जाएगा 1 अपॉन y अपॉन 1 माइनस y। इस टाइप से e की पावर x y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x इनफाइनाइट टाइम तक हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। इसी सिमिलर टाइप से डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब a की पावर x होगी, तब तक इस प्रॉब्लम को देखिए जरा, अभी उसको उस प्रॉब्लम को मैं आपको बताता हूँ। चलिए बच्चों फिर हम दूसरी प्रॉब्लम को बताते हैं, जब a की पावर x होगी, तो जब a की पावर x होगी तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। जब a की पावर x होगी तो उस प्रॉब्लम को कैसे किस टाइप से सॉल्व करेंगे, और उसके साथ में एक प्रॉब्लम और भी आएगी x की पावर वो भी आपको बताएंगे। तो जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन y इक्वल टू a की पावर x, ठीक है, फिर इसके लिखेंगे a की पावर x, ऐसे इसको लिखेंगे a की पावर x, फिर लिखेंगे a की पावर x डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो देखिए ये भी यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया, ये भी यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया है कि y इक्वल टू a की पावर x, तो ये आएगा y बराबर a की पावर x की पावर y, a की पावर x की पावर y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जब पावर में है तो वहाँ पे क्या लेते हैं, log लेते हैं, और log वाली प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं इससे पहले वाले लेक्चर में कि जो है किस टाइप से हम log लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1, टेकिंग लॉग, टेकिंग
लॉग। जब लॉग लेंगे तो ये आएगा लॉग वाई बराबर लॉग ए की पावर एक्स की पावर वाई, ये वाई इधर आएगा तो आ जाएगा वाई इंटू लॉग ए की पावर एक्स, वाई इंटू लॉग ए की पावर एक्स। जब इसको ए की पावर एक्स को हम सॉल्व करेंगे, एक मिनट, इसको ऐसे नहीं, ऐसे देखिए, इसको इस टाइप, इस प्रॉब्लम को इस टाइप से देखिए। इस प्रॉब्लम को इस टाइप से देखिए कि y इक्वल टू ए की पावर x की पावर a की पावर x की पावर a की पावर, ये पावर किसकी, x की बन गई, तो y बराबर a की पावर x की पावर y। तो जब इसको हम l log लेंगे, ये इक्वेशन नंबर वन, तो ये आएगा log y बराबर log a की पावर x की पावर y। अब देखिए ये है तो log x की पावर, ये आ जाएगा x की पावर y इंटू लॉग ए, इसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं, उसको हम दूसरे टाइप से लगा रहे थे। अब यहाँ देखिए फिर पावर है, अगेन log लेंगे, तो टेकिंग अगेन log, तो ये दो फंक्शन हो जाएंगे, तो ये आएगा log ऑफ log y बराबर, ये आ जाएगा log ऑफ, ये आएगा x की पावर y इंटू log a, तो ये आपका बनेगा कि बराबर log x की पावर y प्लस log ऑफ log a। ये पोर्शन जो सॉल्व होके आएगा तो बचे बनेगा log ऑफ log y बराबर log m की पावर n, n log m y log x प्लस log ऑफ log a। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से अप्लाई करिए, ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये आएगा d by dx log ऑफ log y बराबर y का डिफरेंशिएशन dy by dx इंटू log x प्लस y d by dx ऑफ log x प्लस d by dx होल का log ऑफ log a। तो कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन अपॉन लॉग वाई, और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा इनटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई, इस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स के टाइम लेफ्ट साइड ले आइए, तो जब लेफ्ट लेके इसको कॉमन ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो वन अपॉन लॉग ऑफ वाई माइनस, ये आपका आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स बराबर वाई बाई एक्स, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए और इसको ट्रांसफ़र करिए, तो डी वाई बाई डी एक्स ये आपका आ जाएगा वन माइनस लॉग एक्स लॉग वाई अपॉन लॉग ऑफ वाई बराबर वाई बाई एक्स। अब इसको राइट साइड रिप्लेस करिए, तो ये आएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर y इंटू log y अपॉन x वन माइनस log x log y। तो इस टाइप से इसका हम डिफ्रेंसिएसन कर सकते हैं जब ये क्वेश्चन इस टाइप्स के होते हैं। एक दो क्वेश्चन और इनफाइनाइट सीरीज के बताते हैं, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। G
जब क्वेश्चन की प्रॉब्लम इस टाइप से दी गई होगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे y इक्वल टू दिया गया होगा y बराबर x की पावर इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये भी क्या दिया गया, x पावर दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको क्वेश्चन देखिए क्या प्रॉपर्टी लगाई जाती है। तो देखिए ये भी y के बराबर है, तो y बराबर x की पावर y, ये क्या हो गया क्वेश्चन नंबर वन। अब इसमें क्या लीजिए log, तो आ जाएगा टेकिंग log both sides we get, जब दोनों साइड log ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ y बराबर log ऑफ x की पावर y, log m की पावर n, y तो आ जाएगा y log x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ये फर्स्ट है ये सेकेंड फंक्शन है, तो ये आएगा d बाई डी एक्स ऑफ log y बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू log x। देखिए यहाँ पे एक को डिफ्रेंशिएट किया, दूसरा ऐसे ही है, प्लस जिसको डिफ्रेंशिएट किया बाहर कर दिया d बाई डी एक्स ऑफ log x, दूसरे को डिफ्रेंशिएट देखिए कर दिया। अब log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y का dy वाई बाई डी एक्स बराबर ये dy वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा इंटू log x प्लस y ऐसे, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। अब क्या करिए, जो dy वाई बाई डी एक्स का पोर्शन है उसको लेफ्ट साइड ले आइए और कॉमन ले लीजिए। तो dy वाई बाई डी एक्स जब कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/y, और इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का log x बराबर y बाई एक्स, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये आएगा dy वाई बाई डी एक्स 1-y log x अपॉन y बराबर y अपॉन x। इस पोजिशन को उधर जब भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में है, तो y न्यूमरेटर में चला जाएगा बाकी डिनोमिनेटर में जाएगा, तो dy वाई बाई डी एक्स बराबर y स्क्वायर अपॉन x 1-y log x। तो ये इस टाइप से इनफाइनाइट सीरीज के जितने भी डिफ्रेंशिएट इनफाइनाइट जितने भी क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट हो सकते थे उनको आपको बताया गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ हम इम्प्लीसिट फंक्शन की प्रॉपर्टियां बताएंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होते हैं। अब बात करते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन। चलिए यहां ये भी लाग दे, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। टॉपिक यही है कि इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं अस्पष्ट फलनों का अवकलन। इम्प्लीसिट का मतलब होता है, अगर इसको बोल देते हैं तो इसको बोलते हैं चिपकू। का कहने का मतलब ये है कि हम एक्स को वाई से कितना भी अलग करें लेकिन वो अलग नहीं होगा। जब ऐसे फंक्शन, अभी तक क्या होता था कि वाई एक तरफ होता था एक्स दूसरे साइड होता था, अब दोनों फंक्शन एक साथ मिलेंगे, एक्स का भी होगा प्लस माइनस में या मल्टीप्लाई में होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में होगा, उनको दोनों क्वेश्चंस को अलग नहीं किया जा सकता है। और जब ये क्वेश्चन अलग नहीं होते हैं तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं इम्प्लीसिट फंक्शन, मतलब चिपकू फंक्शन, और इनको एक साथ ही डिफ्रेंशिएट किया जाता है बाई चेन रूल प्रॉपर्टी से। तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं कि ऐसे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन उठाते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy, क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy बराबर 0।
अब देखिए, अगर हम x यहाँ राइट साइड भेजते हैं तो y क्यूब इक्वल टू हो जाएगा, फिर भी यहाँ पे y बचा रह जाएगा। y बचा रह जाएगा मतलब कितना भी आप सॉल्व करें लेकिन हम y को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट तो ये आएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई क्यूब माइनस 3a बाहर आ जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई बराबर 0। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का, और यहाँ पे x की पावर n का, तो यहाँ पे क्या लगेगा? n x पावर n माइनस 1 प्लस ये आ जाएगा n y की पावर 3 माइनस 1, y का डिफ्रेंसिएशन dy वाई बाई डी एक्स माइनस 3 है, यहाँ प्रोडक्ट लगाइए तो dx अपॉन डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स को बाहर निकालेंगे dy वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर dy वाई बाई डी एक्स माइनस 3। इसको मल्टीप्लाई करिए तो 3a dx बाई डी एक्स 1 3ay और माइनस ये हो जाएगा 3ax dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब क्या करेंगे? देखिए 3 यहाँ से कॉमन लेके राइट में भेज दीजिए, 3 हट जाए मल्टीप्लाई होके उधर चला जाएगा। क्वेश्चन बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब डी वाई बाई डी एक्स यहाँ कामन ले लीजिए, रिमेनिंग पोर्शन उधर भेज दीजिए। जब कामन लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस का ए एक्स, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। इसको उधर भेजेंगे तो प्लस ए वाई और माइनस एक्स स्क्वायर। जब डी वाई बाई डी एक्स लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, यहाँ वाई स्क्वायर बचेगा, ये बचेगा। तो जब इस पोजिशन को इनको उधर भेजेंगे साइन चेंज हो जाएगा, जब साइन चेंज हो तो ये हो जाएगा प्लस ए वाई प्लस एक्स स्क्वायर, तो बराबर ए वाई माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अब इस पोजिशन को उधर डिवाइड में रख दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए वाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस टाइप से हम इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसे फंक्शन जिन फंक्शंस को अलग नहीं किया जा सकता है ऐसे फंक्शन को इम्प्लीसिट फंक्शन कहते हैं, और हिंदी में उसको अस्पष्ट कहते हैं, और थोड़ा अगर और अच्छी लैंग्वेज हम देखें तो उसको हम चिपकू फलन कह सकते हैं। चिपकू मतलब उनको अलग नहीं किया जा सकता है, वो इस टाइप से एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो अब इसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन ऐसे, जैसे अभी एक क्वेश्चन मिला था आपको एक्स वाई बराबर ई की पावर एक्स लिख लो चाहे वाई लिख लो, ई की पावर वाई। अब इसको लॉग से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। हम इसको यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके बताते हैं, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो ये आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर वाई। तो देखिए डी एक्स बाई डी एक्स तो आएगा 1 इंटू वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई की पावर वाई का डिफ्रेंसिएशन ई की पावर वाई और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आइए तो और डी वाई बाई डी एक्स कामन लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स कामन लिया तो यहाँ एक्स माइनस ई की पावर वाई बचेगा, और ये वाई उधर ले जाइए तो माइनस का वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए
तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस का वाई अपॉन एक्स माइनस ई की पावर वाई, या इसको माइनस लेके कॉमन ले लीजिए वाई अपॉन ई की पावर वाई माइनस का एक्स, इस टाइप से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इससे पहले इसको लॉग में भी डिफ्रेंशिएट किया गया था, नोट करिए तब तक इस प्रॉब्लम को आप लोग। तो इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक क्वेश्चन लेते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है आपका साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, साइन वाई बराबर क्वेश्चन है साइन वाई बराबर एक्स साइन ए प्लस वाई, इसी तरह से कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई, साइन में भी होगा और कॉस में भी होगा, तो इसमें डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे y दो बार है इसलिए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, इजी बना लेते हैं, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए, इसको इधर डिवाइड कर लाइए, तो x बराबर हो जाएगा साइन y अपॉन साइन a प्लस वाई, ठीक है। तो देखिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यहाँ लगेगा, अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये यहाँ आ जाएगा dx अपॉन dx बराबर, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई, अब क्या डिनोमिनेटर साइन a प्लस वाई, डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर d बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई माइनस, ये आ जाएगा साइन वाई और डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर साइन ऑफ ए प्लस वाई, ठीक। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस होता है, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो यह डी एक्स बाई डी एक्स कितना हो जाएगा वन, तो वन इक्वल टू ये आपका आ जाएगा साइन ऑफ ए प्लस वाई, और साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस, ये आपका साइन वाई ऐसे ही रहेगा, देखिए साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, तो इनटू कॉस ए प्लस वाई, और ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन ए का जीरो और वाई का डी वाई बाई डी एक्स अपॉन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कहेंगे, ये जो साइन स्क्वायर ये है इसको इधर ट्रांसफर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इधर आएगा और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कामन ले लीजिए, जब डी वाई बाई डी एक्स हम कामन ले लेंगे तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कामन लिया तो यहाँ क्या बचेगा साइन ए प्लस वाई कॉस वाई, तो ये बचेगा साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस, यहाँ पे बचेगा कॉस ए प्लस वाई साइन वाई, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई और बराबर, जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये आ जाएगा साइन साइन ए प्लस वाई, साइन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी किसका फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है, तो माइनस वाई बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स आप साइन ए बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ये जो साइन है इसको डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है। ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, कभी कभी इसका प्रूफ भी करने को आता है। इसके साथ में एक और प्रॉब्लम लिख लीजिए, अगर ऐसे दिया कॉस वाई बराबर एक्स कॉस ए प्लस वाई,
ये भी डिफ्रेंसिएशन करने को आता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलर ही लगभग आंसर आएगा, कोई चेंजेस नहीं इसमें, साइन और कॉस में कुछ डिफरेंस आ जाता है और कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इस टाइप से आपको इम्प्लिसिट फंक्शन और इनफाइनाइट फंक्शन की प्रॉब्लम बताई गई। इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम रह गई हैं वो जो डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम रह गई हैं कि जो डिफरेंशिएशन कुछ अदर फंक्शन के हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन की हैं, वो आगे के लेक्चरों में बताई जाएंगी। फिलहाल ये लेक्चर यहीं पे एंड किया जाएगा, ठीक, और रिलेटेड प्रॉब्लम आप लोग लगा सकते हैं। ओके।